भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। जीवन की शुरुआत में माता पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा छूटा, जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। लेकिन जो नहीं छूटी वो थी भगवान श्री कृष्ण की सकारात्मकता और उनकी मुस्कान। जिंदगी में जब सब कुछ छूटता रहे तब भी कैसे आप मुस्कान को बनाए रख सकते हैं और कैसे सकारात्मक रह सकते हैं, ये सिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण। और आज मैं बात करूंगा उन 5 बातों की जो हम सभी को सीखनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण से। जब जीवन में कुछ भी समझ में ना आए तो एक काम कीजिएगा, हमारा जो पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, उसे पढ़ना शुरू कीजिएगा। जिंदगी की हर शंका का समाधान आपको मिलेगा, हर समस्या का सलूशन आपको मिलेगा। आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्ण। लर्निंग नंबर 1, सीखने वाली सबसे बड़ी और सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंस ऑफ कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 2 ही अध्याय में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धनुर्धर अर्जुन से, जब अर्जुन ने कहा कि अब तो मुझे युद्ध नहीं लड़ना, मुझे मतलब लड़ना ही नहीं, मुझे रहना ही नहीं है युद्ध भूमि में, मैं क्यों लड़ू, क्या मिलेगा मुझे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मोह है फल से, उससे खुद को डिटैच कर लो। ये जो यात्रा है मंजिल तक पहुंचने की, इस जर्नी को एंजॉय करो। भगवान श्री कृष्ण ने जो समझाना चाहा था अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं रोजाना शाम में यथार्थ गीता पढ़ता हूं। हमारे गुरु महाराज हैं परमहंस स्वामी श्री रड़गड़ानंद जी महाराज, उन्होंने गीता की यथार्थ व्याख्या की है, और जब मैं यथार्थ गीता पढ़ता हूं तो स्पिरिचुअलिटी में इसका मतलब कुछ अलग है। भगवान श्री कृष्ण जिस कर्म की बात कर रहे हैं वो यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। यज्ञ जो होती है वो आराधना की विधि विशेष है, उसका नाम यज्ञ है। श्वास प्रश्वास का ध्यान जो है वो यज्ञ है। उस कर्म की यहां पर बात हो रही है, वो स्पिरिचुअलिटी का उसमें जाएंगे स्पिरिचुअलिटी में तो वो मतलब निकल के आता है, वो मीनिंग अलग है। लेकिन अगर हम हमारी लाइफ की बात करें, जिंदगी की बात करें, जिस जिंदगी को हम रोज जिसका सामना करें उसकी बात करें, तो वहां कर्म का जो मतलब है, जो इंपॉर्टेंस है, वो ये निकल के आती है कि आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाइए, फोकस कीजिए अच्छे काम की तरफ, और जो यात्रा है आपके गोल तक पहुंचने की उसे एंजॉय कीजिए, बाकी सब भूल जाइए, उस पर छोड़ दीजिए, वो सब मैनेज कर लेगा। जो अच्छा काम करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता है। महाभारत की एक घटना है, महाभारत के युद्ध से पहले धनुर्धर अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास में मदद मांगने के लिए गए थे। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। जो दुर्योधन था वो तो इगोइस्टिक बंदा था, वो भगवान श्री कृष्ण के सर के पास जाकर खड़ा हो गया। धनुर्धर अर्जुन जो थे वो भगवान के चरणों में जाकर के बैठ गए सेवा करने के लिए। जहां भगवान की नींद खुली तो सबसे पहले चरणों में अर्जुन को पाया और कहा कि बोलो क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो। दुर्योधन गुस्सा हो गया, झगड़ने लगा कि मैं बड़ा हूं, मैं पहले आया था, ये वो। तो उन्होंने कहा भाई तुम मांग लो, तुम्हें क्या मांगना है। दुर्योधन की जितनी बुद्धि थी, जैसे कर्म थे, उसने मांगा कि मुझे सेना चाहिए। अर्जुन की जैसी बुद्धि थी, जैसे कर्म थे, अच्छा ही हुआ, उसने मांगा कि भगवान आपका साथ चाहिए, आप बस मेरे रथ के सारथी बन जाइएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए क्योंकि उन्होंने अस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। सारथी बन गए और उसके बाद में जो हुआ, जो उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, जिस तरीके से उन्होंने वो स्ट्रेटेजी बनाई युद्ध की और जिस तरीके से जीत दिलवाई, ये बताती है कि जिसके कर्म अच्छे हैं उसके साथ जो फल मिलेगा उसे बाद में वो अच्छा ही होगा। लर्निंग नंबर 2, जो भगवान श्री कृष्ण से सीखने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, इस दुनिया में जो भी हो रहा है उसके पीछे एक वजह है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष यिष्यामि मा शुच। सब कुछ छोड़कर के मेरी शरण हो जा, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाना चाहा कि इस दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं उनके पीछे कारण है, और हम सब जो हैं ऊपर वाले की बनाई हुई संतानें हैं, और जो ऊपर वाला है वो अपनी संतानों के साथ बुरा नहीं कर सकता। तो कभी अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आपके ही कर्मों के परिणाम है जो वापस लौट करके आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो यह भी कहा कि कर्मों का परिणाम वैसे ही ढूंढ निकालता है जैसे कि एक बछड़ा खो जाने पर हजारों गायों में, सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ निकालता है। तो इसलिए अच्छा होगा, इस बात में यकीन रखिए, अपने आप को ऊपर वाले को सौंप दीजिए, उसके बाद भूल जाइए, बाकी सब कुछ उन्हें देखना है। एक बहुत छोटी सी कहानी है जो महाभारत के युद्ध की है। वो युद्ध भूमि जब उसको तैयार किया जा रहा था, युद्ध शुरू होने से पहले जब मुआयना करने के लिए भगवान वहां पहुंचे, मैंने आपको शायद पहले भी सुनाई, तो एक चिड़िया उड़ती हुई आई
और भगवान श्री कृष्ण से कही कि मेरा घोंसला जमीन पर आ गया है, यहां हाथियों ने पेड़ वगैरह हटा दिए, मेरी मदद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं होनी को नहीं टाल सकता, जो होगा वो होके रहेगा। उस चिड़िया ने कहा कि क्या मैं आप पर विश्वास कर लूं, बस इतना बता दीजिए। उन्होंने कहा विश्वास कर लो। अगले दिन जब युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने अर्जुन से, भगवान श्री कृष्ण ने धनुष मांगा, तीर मांगा। अर्जुन डर गया कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा दो तो सही। तीर चलाया, सामने हाथी था, उसकी गले में बड़ी सी घंटी बंधी थी, उस घंटी पर जाकर के लगाओ, घंटी जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा कि क्या कर रहे हो, आपसे एक निशाना नहीं लगा, लाओ मैं लगाता हूं, हाथी को गिराता हूं। उन्होंने कहा नहीं, काम हो गया। 18 दिन के बाद में जब फिर से युद्ध भूमि को साफ किया जा रहा था, क्योंकि युद्ध खत्म हो गया था, तो उस घंटी को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हटाओ उस घंटी को, जमीन पर पड़ी हुई है। जैसे उसने घंटी हटाई, वो चिड़िया अपने बच्चों के समेत वहां से उड़ गई। उस चिड़िया ने सिर्फ विश्वास किया था प्रभु पर, बाकी सब उन्होंने देख लिया। लर्निंग नंबर 3, माइंडफुलनेस। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो सचेतन होना। सचेतन को और समझें तो आज में रहना, आज को लेकर के अवेयर रहना, वो चेतना आपके अंदर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने धनुर्धर अर्जुन को अक्सर सिखाया कि आप आज में रहना शुरू कीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा, अभी जो है उसमें जीना शुरू कीजिए, इस क्षण में रहना शुरू कीजिए। माइंडफुलनेस होनी बहुत जरूरी है, ये आपकी जो मेंटल वेलबींग है इसको भी इंप्रूव करती है। वो बात अलग है कि कभी कभी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसको लेकर के आप डिस्टर्ब्ड होते हैं, आपको लगता है पता नहीं क्या होगा। लेकिन अगर आप माइंडफुलनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप सचेतन हैं, आप अवेयर हैं आज को लेकर के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आगे की तैयारी भी आपकी हल्की हल्की है, तो हर चीज का समाधान निकल आता है जब मस्तिष्क आपका थोड़ा सा शांत है, आप कूल काम रह करके चीजों को समझ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कोई समस्या इतनी बड़ी हो सकती है कि वो आपसे बड़ी हो जाए, आपकी आत्मा से बड़ी हो जाए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपकी आत्मा है ये बहुत ताकतवर है, ये आपके उस चंचल मन को भी, जो चंचल मन अति रैंडम है उसको भी कंट्रोल कर सकती है अगर आप चाहें तो। एक छोटी सी महाभारत की घटना है, उससे आप समझिएगा कि माइंडफुलनेस जो है वो कितनी जरूरी है होना। भगवान श्री कृष्ण के पास में एक बार द्रौपदी आई और आकर के कहने लगी कि वहां पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है कि मेरे पतियों को मार देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे घबरा क्यों रही हो, शांत हो जाओ, आप जाओ उनके शिविर में और पितामह भीष्म को जाकर के बस प्रणाम करना। द्रौपदी गई उनके शिविर में, जो कहा था भगवान श्री कृष्ण ने वो माना, और वहां जाकर के जब प्रणाम किया पितामह भीष्म को, तो उन्होंने कहा सौभाग्यवती भवा। और जैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया, पितामह भीष्म कहने लगे कि ये क्या कर दिया मैंने तो अभी भी प्रतिज्ञा लिए तुम्हारे पतियों को मारने की, और तुमने मुझसे आशीर्वाद ले लिया कि तुम्हारे पति बहुत लंबी उम्र जिएंगे। फिर पितामह भीष्म कहने लगे कि जरूर ये कान्हा ने तुमसे करवाया है, ये तुमने नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण के पास में इस दुनिया की हर समस्या का समाधान था। जब पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दे दिया था द्रौपदी को, तो उसके बाद में पांडवों को बुलाया था और बताया था कि मुझे मारने का तरीका क्या है, शिखंडनी को आगे कर देना, उसके बाद मैं तीर नहीं चलाऊंगा, अर्जुन तुम तीर चला देना। हर घटना से महाभारत की बहुत कुछ सीखा जा सकता है, भगवान श्री कृष्ण से काफी कुछ सीखा जा सकता है। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अवेयर रहिए आज को लेकर के, आने वाले कल को लेकर के भी। लर्निंग नंबर 4, सीखने वाली चौथी सबसे बड़ी बात, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। जो आपका गुस्सा है अगर ये बेकाबू हो गया तो खेल खत्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध जो होता है, जब गुस्सा आता है तो भ्रम पैदा होता है, भ्रम जो होता है वो बुद्धि को नष्ट कर देता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान का विनाश हो जाता है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्रोध की वजह से ही महाभारत की शुरुआत हुई। दुर्योधन को क्रोध आता था, उसने एक ऐसा खेल रचा जहां पर द्रौपदी को बुलाया गया सभा में, और दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करने की कोशिश की। वो एक घटना ऐसी थी जिसने दुर्योधन का और उसके भाइयों का विनाश कर दिया। महाभारत की ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो हमें सिखाती हैं कि गुस्से पर, क्रोध पर काबू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लर्निंग नंबर 5, कहते हैं कि पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। नहीं, सारथी भगवान श्री कृष्ण ने बिना युद्ध लड़े ही महाभारत का युद्ध जीत लिया। लर्निंग नंबर 5 जो है ये बहुत ध्यान से समझिएगा। इस दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर काम की अपनी इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं तो बड़ी जॉब कर रहा हूं, बड़ी पोजीशन पर हूं, मुझे तो इतना मतलब बोलते ना रीजन का हेड बना दिया और नेशनल हेड बना दिया और पता नहीं क्या क्या लोगों के मन में आ जाता है। तो छोटा काम कर रहा होता है उसको छोटी नजर से देखते हैं, अरे छोटा सा काम करता है, छोटी सी जॉब है, छोटी सैलरी। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने
सारथी बनना भी स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो काम है ये मेरे सखा अर्जुन को, उसके परिवार को जीत दिला सकता है। हर काम का सम्मान कीजिए, हर पद का सम्मान कीजिए, हर व्यक्ति का सम्मान कीजिए, ये भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं। उन्होंने महाभारत में, गीता में बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो हम सब की जिंदगी को बदल सकती हैं। बस जरूरत है उन बातों को इंप्लीमेंट करने की, उन बातों पर चलने की। और जाते जाते कुछ कमाल की बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने कही हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो, जो पाप रहित और स्वार्थ रहित होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध और मोह। जीवन में जो भी कर्म आप करें उसे पूर्ण समर्पण के साथ, लगन के साथ कीजिएगा, अच्छे मन के साथ कीजिएगा, ईर्ष्या के साथ, द्वेष के साथ, अहंकार के साथ, ईगो के साथ मत कीजिएगा। अच्छा काम करेंगे, अच्छा मिलता चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सभी पर बनी रहे, जो आप चाहते हैं आपको मिलता रहे, यही मेरी मंगल कामना है।